बड़ी खबर आ गई है, सूरज पंचोली को बरी किया गया है, ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर सुनील सिंह से भी हम जुड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि प्रशांत आप बता रहे थे, 10 साल लगे हैं, और एक यहाँ सूरज पंचोली के लिए कहीं ना कहीं अब एक राहत है क्योंकि उनको बरी किया गया है। जिया खान खुदकुशी मामले में सूरज पंचोली पर जो आरोप था, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था, और अब ये खबर सामने आ रही है कि कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, सूरज पंचोली को। प्रशांत, यहाँ पर सूरज पंचोली के लिए एक राहत की खबर आई है। बिल्कुल, ये राहत की खबर है उनके लिए क्योंकि उनका पूरा करियर जो है वो रुका हुआ था, और ऐसे में जो परिवार के लोग होते हैं उन वो भी पूरी तरह से, उनका भी ध्यान जो है वो केस की तरफ होता है और सारे जो काम हैं वो रुक जाते हैं। अगर आप देखें सूरज पंचोली, क्योंकि कोई भी जो फिल्म प्रोड्यूसर या फिल्म डायरेक्टर है वो किसी ऐसे कलाकार को साइन करने से बचता है जिसके ऊपर केसेस हों, क्योंकि नहीं मालूम है कि वो केस कितना लंबा खींचे या वो उस केस का जो फैसला है वो किस तरफ जाए, तो लाखों तो करोड़ों का जो है वो नुकसान हो सकता है, तो फिल्में साइन करना भी बंद हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, राहत की बात होगी।